कुनिका जी, एक कमेंट आपका, फिर अरुण बख्शी जी, बाकी सब मैं पास आ रहा हूं मैं। पहले कुनिका जी, आपका सही या नहीं, बस मेरा सवाल ये है, सबसे मेरा एक ही सवाल रहेगा, ये जो ब्रह्मास्त्र हाथ लग गया बहिष्कार वाला, सही या नहीं आपके हिसाब से? कुनिका जी आपका टेक। जी नहीं, मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि हम फिल्म इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी रेवेन्यू जनरेटर है और हम बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो बॉयकॉट करेंगे और इससे फिल्मों को नुकसान होगा, तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री मर जाएगी। और ये मेरे हिसाब से बॉयकॉट का जो ट्रेंड है वो इसीलिए किया जाता है या स्टार्स को इससे टारगेट किया जाता है, क्योंकि बहुत जो सही मुद्दे हैं, जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं देश में, उससे हटकर हम लोग इनसे इन चीजों पर बहस करें, ये मेरा कहना। आपको लग रहा है कि रेवेन्यू बड़ा है हिंदू आस्था से? क्या चीज? आई डेंट हियर योर क्वेश्चन, व्हाट यू से? रेवेन्यू बड़ा हो गया हिंदू आस्था से? आपको लग रहा है हिंदू आस्था से बड़ा रेवेन्यू जनरेशन रेवेन्यू है? नहीं, मैं बॉलीवुड की बात कर रही हूँ। मुझे मैं जो मुकेश जी जिसके बारे में कह रहे हैं, वो तो हर धर्म के लिए होना चाहिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो। जब काली माँ का पोस्टर सिगरेट पीते हुए उन्होंने दिखाया था, तो मैंने उसका मैंने बहुत कंडेम किया उसको। अच्छा, ये बातें वैसे हमको, आप सबके बिल्कुल रिलीजन सही को कह रही हैं, रिस्पेक्ट करना है, लेकिन जो अभी और मुकेश जी ने अगर कहा हिंदू धर्म, जी, कुनिका जी, आप जैसे माँ काली को लेकर, सेक्सी दुर्गा और वो कई इस तरह के नाम हैं, मैं लेना भी नहीं चाह रहा हूँ, अच्छा भी नहीं। हम दूसरे धर्म को लेकर कभी हमने कोई ऐसा नाम सुना हो, अगर आपको याद हो, कोई एक नहीं अगर? सुना है और वो नहीं गलत सुना, है। नहीं सुना, मैं ये नहीं नहीं कह सुना रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ सही है, जी। लेकिन मेरी बात यहाँ पे बॉयकॉट से है। मैं यहाँ अपनी बात बॉयकॉट पे रखना चाहती हूँ। ये बहुत बहुत दुखद बात है कि हम इस तरह से एक इंडस्ट्री को खत्म कर रहे हैं जो लोगों को नौकरी देती है, लोगों के रोजगार देती है, लोगों का घर चलाती है, और ऐसे और रेवेन्यू जनरेट करती है सरकार के लिए। इट्स वेरी सैड। और मेरे हिसाब से ये इसलिए किया जाता है ताकि हम लोगों का मन भटकाएं, क्योंकि स्टार्स आर, मुकेश जी कह रहे हैं हिंदू धर्म सॉफ्ट टारगेट है, मैं कहती हूँ स्टार्स आर सॉफ्ट टारगेट, फिल्म इंडस्ट्री सॉफ्ट टारगेट। और उसको जब आप टारगेट करते हैं तो उनके पास कहीं भागने की जगह नहीं होती है, और उससे क्या होता है, आप लोग डिबेट पे डिबेट करते जाइए और जो असली मुद्दे हैं उससे हट जाइए, ये है। ठीक है बख्शी जी, आपका कमेंट मतलब असली मुद्दों से भटकाने का प्रयास है, और जो बॉलीवुड इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतने लोगों को रोजगार दे रहा है, तो उससे भाई ये चीज़ें गलत हैं, बॉयकॉट नहीं होना चाहिए, टॉलरेट कर लेना चाहिए। वैसे हिंदू धर्म इतना सहिष्णु, इतना उदार है, अगर गाली पड़ रही है तो थोड़ा टॉलरेट कर लेना चाहिए। जी, अरुण बख्शी जी, एक मिनट, कनिका जी कुछ आराम करना चाह रही है, एक मिनट, अरुण एक मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट, कनिका जी मेरी कुछ आराम वर्ड्स को करना चाह रही है। मिसकंस्ट्रू मत करिए, ये आपकी समझ है कि आपने ऐसे समझा, जो मैंने कहा वो ऑडियंस को साफ साफ पता चल रहा तो है कि आप ये मैंने कह क्या रही हैं कि कहा। टॉलरेट कर लेना चाहिए हिंदू हिंदू हिंदुओं को, हिंदू नहीं, आस्था मैं को कह रही हूँ टॉलरेट कि कर लेना लोगों को चाहिए। पिक्चर देखना चाहिए कि नहीं वो डिसाइड करेंगे, लेकिन आप जो ट्विटर ट्रेंड उसके 2 हफ्ते पहले से शुरू कर लेते हैं, जो फेसबुक फीड, मेरे फेसबुक पे फीड आया है, अरे अब बहुत हो गया छोटी मोटी पिक्चरों का बहिष्कार, चलो अब 400 करोड़ का मजा लेते हैं, तो इस तरह की जो भाषा और इस तरह के ट्वीट जो आते हैं ये गलत है, क्योंकि लोगों के छोटे छोटे शहरों में लोगों को ये लगता है कि अरे इसको तो देखना नहीं है, ये फरमान आ गया है कहीं से, बिकॉज ये मैसेज जाता है, नहीं नहीं ये मैम, गलत है। ये ओके, लेट पीपल डिसाइड व्हाट दे वांट टू सी, वो वहां चलिए ठीक है, जाएंगे पिक्चर देखेंगे, उनको पसंद नहीं आएगा। एंड बाय द वे, मेरे हिसाब से ब्रह्मास्त्र में शिव जी का कोई उन्होंने उपहास नहीं किया है, ना कोई मजाक उड़ाया है, उन्होंने तो उसको सेलिब्रेट किया है, शिव जी को सेलिब्रेट किया है। लेकिन आप नहीं, पहले मैं से, किसी क्योंकि पर्टिकुलर मूवी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो रणबीर एक कपूर, जेनरिक बॉलीवुड की बात कर रहा हूं कि क्या फॉगर। वैसे मुझे एक अच्छी चीज लगी आपने कहा कि हाँ ये चीज है कि क्रिएटिविटी सेलेक्टिव तो है, कि एक धर्म ने ही ठेका ले रखा है सारी क्रिएटिविटी का, सहिष्णु और सहिष्णुता और उदारता का सिर्फ एक ही धर्म ने ठेका ले रखा है, कि चलिए बिकॉज बर्दाश्त करते रहिए, हिंदुइज्म टॉलरेट इज होते नॉट रहिए। अ मैं रिलीजन अब एक अरुण बख्शी जी फिलोसफी, का कमेंट ले लूं आपकी एंड इजाजत से, कनिका हिंदुइज्म में जी सिखाया जाता है बहुत सारा जी टॉलरेट करना, इसलिए हम लोग टॉलरेट बस करते थे, वही तो मैम, तो वही अब असल में चलिए, टॉलरेट अब नहीं मैं करते इसको, हैं। मैम पता क्या होता है, जैसे मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर, आप मेरे से बड़ी हैं, आप बॉलीवुड में काफी समय से हैं, लेकिन इसका एक एग्जाम्पल ये होता है, घर में दो बच्चे हैं, एक ही बच्चे को लगातार थप्पड़ पड़ते रहेंगे ना, रोज पढ़ते रहेंगे, रोज पढ़ते रहेंगे, तो गलत वो है, नहीं, तो एब्सोल्युटली। शुरुआत में तो कहेगा माँ बाप को अधिकार है भाई संतान हूं, लेकिन अगर ये दो में से एक कोई बच्चे को थप्पड़ पड़ेंगे ना लगातार, तो वो भी कहेगा। प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ हिंदू ही क्यों, जो मुकेश जी ने कहा सेक्सी दुर्गा बन सकती है, मगर दूसरी तरफ नहीं ना, नहीं बननी चाहिए लेकिन नहीं ना, माँ काली लेकिन आप सिगरेट लोगों पीती को लेकिन नहीं होगा बॉयकॉट ना, करने के लिए कहेंगे ये गलत है, तो फिर कैसे आपने सबक पिक्चर सिखाया जाए? देखी अच्छा नहीं चलिए और आप अरुण बख्शी बॉयकॉट जी, कर, बॉयकॉट का बॉय ट्रेंड चला दिया आपने, और चलिए, लोगों की डर जो है, अच्छा टू लग रहा टियर है ये सिटी डर है, जी, और जो टू टियर सिटी है वहां पे गलत मैसेज जाता है, और इससे क्या होता है, फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो रही है, फिल्म और इससे इंडस्ट्री आप खत्म करें तो इसका मतलब मतलब बिना सरकार हिंदू को भी जो आस्था के रेवेन्यू अपमान की जनरेट हो रहा है इंडस्ट्री वो नहीं चल खत्म हो रहा सकती है। क्या? ये एक मिनट, एक मिनट मैं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं अरुण बख्शी जी एक कमेंट आपका, उसके बाद आ रहा हूं मुकेश खन्ना जी, मुझे एक मिनट दे दीजिए, मैं एक मिनट आ रहा हूं, पहले अरुण बख्शी का कमेंट, बहुत देर से वेट कर रहे हैं अरुण बख्शी, कि फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो रही है भाई।
और ये अच्छा मैसेज है बहुत बड़ा वैसे। हाँ बोलिए सर प्लीज। हेलो 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 प्लीज सर प्लीज प्लीज माय डियर। नाउ लिसन लिसन, देखिए जो आपने पहले प्रीफेस दिया है उसमें आपने इंटेंट और कंटेंट की बात की है। जिनका नोइंगली और अननोइंगली इंटेंट था उनको तो समझ आ गई है कि फ्यूचर में किसी भी तरह से हिंदू धर्म को निशाना बना के नहीं करने का है, वो तो समझ गए। और आने वाली जो जनरेशन है फिल्मों की जो आगे करेंगे वो भी समझ गए हैं। और अगर वो किसी फिल्म में हिंदू धर्म या किसी भी धर्म की बेइज्जती करते हैं तो उनको छोड़ने का नहीं है, उनको बहिष्कार करने का है, सॉलिड करने का है। लेकिन जहां पे ऐसा कोई बात नहीं है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि वहां पे बहिष्कार मत कीजिए। क्योंकि क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे मजदूर लोग हैं, जो लाइटमैन है, जो प्रोडक्शन है, जो इनके साथ में जुड़े हुए हैं, उनका चूल्हा बुझ रहा है, उनका चूल्हा बुझ रहा है। उन फिल्मों में जहां पे उन लोगों ने काम किया है और उनका बहिष्कार हो गया, उनका बहुत नुकसान हुआ है। सर मैं हाथ जोड़ के आपके माध्यम से, आपकी इस ये जो चैनल है इसके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा उन सब लोगों से कि प्लीज जहां पे हिंदू धर्म का आपको अगर बेइज्जती करते हैं या किसी भी धर्म का, छोड़ने का नहीं। लेकिन उसके साथ ही में जिन फिल्मों में ऐसा कुछ नहीं है प्लीज उनको इज्जत दीजिए। कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री है, आपकी फिल्म इंडस्ट्री है, उसकी इज्जत जी फिर ये ऐसा हो गया ना। आपकी अरुण जी मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ लेकिन सर पिछली फिल्म में गाली दे दी, भगवान भोले को बाथरूम में दौड़ा दिया, अगली फिल्म में सम्मान कर दिया, चलिए अगली फिल्म देख लीजिए, इसमें नहीं किया। ट्रैक रिकॉर्ड है ना सर, ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा होता है। मैं कह रहा हूँ सर ट्रैक सारा ही तोड़ दीजिए कसम से, अगर कोई भी ऐसा करे। और वो जिसने मैडम ने किया था, जिस मैडम ने किया था वो जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, हमने उसको तोड़ के रख दिया था। और आते हुए जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज है या फिल्म है उनको तोड़ के रख देने का है। रिया जी मैं आ रहा हूँ लेकिन एक कमेंट पहले मुकेश खन्ना का, ठीक है सर। मुकेश खन्ना जी आप बोल लीजिए क्योंकि इससे बॉलीवुड इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। भाई देखिए अभी मैंने ये पक्ष सुना है, दोनों का पक्ष सुना है, दोनों इसी बात से चिंतित है कि बॉलीवुड को के खिलाफ ये नहीं करना चाहिए क्योंकि बॉलीवुड हजारों लोगों को नौकरी देती है, बॉलीवुड को आपको बहिष्कार नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि बॉलीवुड को मनमानी करने दी जाए, बॉलीवुड को नहीं खत्म करना चाहिए? ये देखो सुने मेरी बात को पूरी, ये बॉलीवुड नहीं है, ये चंद प्रोड्यूसर्स हैं, ये एक दो तीन चार पांच प्रोड्यूसर्स हैं जो सो कॉल्ड टॉप में बैठे हुए हैं। इन लोगों को पता है कि कुछ नहीं होने वाला और वो हिंदू धर्म के खिलाफ क्यों है मुझे ये भी नहीं पता, पर उनको ये पता है कि ऐसा करेंगे करेंगे तो फिल्म हमारी हिट हो जाएगी। तो ये आप जो कह रहे हो कि बॉलीवुड का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ये कि बॉलीवुड को मनमानी करने दो। और दूसरा अरुण बख्शी जी कह रहे हैं कि भाई लोगों की सब सब जो वर्कर्स होते हैं, मैं बता दूं अरुण बख्शी जी भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, फिल्म जब बन जाती है रिलीज पर आती है सब वर्करों के पैसे मिल चुके होते हैं, नुकसान सिर्फ और सिर्फ एग्जीबिटर को होता है। खड़ा नहीं हो पाता है फिर अगर आप बहिष्कार करें कि दोबारा वो तो अगली बार ऐसी फिल्म मत बनाओ ना। अगली बार मुकेश जी की बात को जवाब देना चाहती हूँ। चलिए दीजिए कनिका जी, मतलब ये पक्ष आ रहा है कि जिनको हमारी